किसान यूनियन पानीपत ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने सांकेतिक धरना दिया और किसानों ने कहा कि इकबालपुर उत्तराखंड शुगर मिल में किसानों की गन्ने की पेमेंट करीबन 36 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है, जिसमें पानीपत, सोनीपत, रोहतक, करनाल के किसान शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बकाया पानीपत जिले के किसानों का है, जिसका भुगतान जल्द ही करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों ने मांग की है कि हरियाणा सरकार ने मार्च 2018 से ट्यूबवेल कनेक्शन चालू करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसमें कृषि विभाग ने एनओसी लेने की शर्त लगा दी और उस शर्त को वापस लिया जाए। तो ये प्रदर्शन किया गया इकबालपुर शुगर मिल में 4 जिलों का करनाल, पानीपत, रोहतक और सोनीपत का करीब 36-37 करोड़ रुपए बकाया है 2017-18 का, तो शुगर मिल देने में आनाकानी कर रहा है। दूसरी मांग है कि भाई सरकार ने मार्च 2018 तक के बिजली के कनेक्शन देने का, ट्यूबों में कनेक्शन देने का वादा किया था, वो उसमें भी सरकार आनाकानी कर रही है, शर्तें थोपने का काम कर रही है। तीसरा, फसल बीमा योजना में बदलाव की हमारी मांग है। जुलाई 2018 में हाशिए बुटाना नहर टूटने से 3 गांव, कई जोशी माजरा की करीब 1500 एकड़ धान की फसल बर्बाद होगी, जिसमें सरकार ने निपा पोती करी रिपोर्ट देने में और किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उसमें 1 रुपया भी आज तक किसान को मुआवजा नहीं मिला। इसके साथ साथ और भी हमारी कई मांगे हैं जिसके बारे में आज किसानों में बड़ा रोष है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा किसान सड़कों पर आने में मजबूर होगा।